एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती जायसवाल और हम लोग कर रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 का, आरडी शर्मा की बुक से कर रहे थे। तो अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि अभी तक हमने इस चैप्टर के केवल एक्सप्रेशंस से रिलेटेड ही वर्क किए हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस से रिलेटेड काम हमने किए हैं अभी तक। हमने एक्सप्रेशंस के एडिशन सीखे हैं, डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन सीखे हैं और मल्टीप्लीकेशन भी सीख रखे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन हमने मोनोमियल्स का देखा, बाइनोमियल्स का देखा और ट्राइनोमियल्स का भी देखा है। अब आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है? अभी तक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने समझ लिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने कर लिए, एक्सरसाइज 6.5 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आज पढ़ेंगे आइडेंटिटीज और फिर इससे रिलेटेड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होता है? जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है, आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी। कैसी इक्वलिटी? व्हिच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। जैसे आपने एक कुछ दिन पहले मतलब पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा इक्वेशन। इक्वेशन जैसे मान लो 3x + 2 = 11, इसे इक्वेशन क्यों कहते हैं हम? क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन का साइन है, एक वेरिएबल है। अगर आप इसकी कोई वैल्यू डाल के सॉल्व करते हैं और इक्वल टू वाले नंबर से मैच करता है तो ये आपका इक्वेशन कहलाता है और यही चीज इक्वलिटी शो करती है, ठीक है। तो यही चीज, यही बात आइडेंटिटीज के साथ भी है कि अगर LHS इक्वल है RHS के, इट मींस कि ये हमारा इक्वेशन सही है और इक्वल टू कहलाएगा, नहीं तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। मतलब इक्वलिटी हमें प्रूफ करना है, इक्वलिटी हमें शो करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो कि आपने x की वैल्यू 3 डाली तो 3 × 3 = 9 + 2 = 11 तो हो जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी है, मतलब ये एक इक्वेशन है, सही इक्वेशन है। लेकिन अगर इस वेरिएबल की वैल्यू हम 4 डालते हैं और तब राइट साइड में 11 है, देन इट्स नॉट इक्वल टू RHS, मतलब LHS और RHS को इक्वल होना चाहिए। तो आइडेंटिटीज के साथ भी यही केस है, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज पढ़ने हैं जिसपे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपका a + b² = होता है a² + 2ab और +b² के, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगी कि क्यों ये इक्वलिटी कैसे है या ये आइडेंटिटी कैसे है, ठीक है, और ये इक्वल कैसे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHS को सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये RHS के इक्वल है या नहीं, तब तो ये आइडेंटिटी कहलाएगा। तो चलिए करते हैं, हम LHS को सॉल्व करते हैं। पहले a + b² को आप क्या लिख सकते हैं, a + b × a + b, 2 times हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं। अब आपने सिंपली सीख रखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल्स, तो बस वही कर देना है आपको। दो टर्म्स हैं दोनों एक्सप्रेशन में, तो हम एक टर्म को उठाएंगे, a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे a × a और +a × b हो जाएगा। फिर b को उठाएंगे, b × a हो जाएगा +b × b हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ हो गया a² + ab + ab एंड यहाँ हो गया b². फाइनली ये क्या निकल के आ रहा है, a² + 2ab + b², यही है ना RHS में। तो इट मीन्स कि ये आइडेंटिटी है, मतलब LHS इक्वल है RHS के, इसे ही कहते हैं हम आइडेंटिटी। और अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आइडेंटिटी होती क्या है। चलिए दूसरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी है a − b² = होता है a² − 2ab और +b² के। यहाँ भी हम देखेंगे LHS इक्वल है कि नहीं RHS के। तो चलिए करते हैं, a − b² को हम लिख सकते हैं a − b × a − b, 2 times हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों ही बाइनोमियल्स हैं, a को पिक करेंगे a × a − b लिख लेते हैं और फिर -b उठाते हैं × a हो जाएगा, फिर से -b × -b हो जाएगा ये वाला,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस ए बी, यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस ए बी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों सेम साइन वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, आरएचएस आ गया हमारा, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। चलिए ये आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। तीसरी आइडेंटिटी है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कैसे होता है, चलिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दो एक्सप्रेशंस हैं तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू ए हो जाएगा, फिर प्लस ए इंटू बी हो जाएगा, माइनस बी को उठाइए, माइनस बी इंटू ए, फिर माइनस बी इंटू बी। अब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, सॉरी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, माइनस बी हमने उठाया, माइनस बी इंटू बी, नहीं ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पे ये प्लस का ए बी और ये माइनस का ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमें चाहिए था आर एच एस। मतलब अभी जो तीन स्टैंडर्ड इक्वलिटीज हमने देखे ये तीनों ही हमने प्रूफ कर दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अभी ये तीन आइडेंटिटीज से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके ये आइडेंटिटीज ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे आपको और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।